महिलाओं को 33% रिजर्वेशन उन्होंने पहली बार इस देश में दिया महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए। अपनी जान की आहुति देकर उन्होंने देश की एकता और अखंडता को बचाया। कंप्यूटर की शिक्षा और कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़रूरी है। गांव को देहात को अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए पंचायती राज ही एक रास्ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ हैं तारिक अनवर जी। और आज राजीव गांधी जी का जन्मदिवस है, सर क्या कहना चाहेंगे आज इस दिवस पे? देखिए, आज राजीव जी को सारा देश याद कर रहा है। राजीव जी अपने थोड़े से समय काल में उनको प्रधानमंत्री बनने का जो अवसर मिला उसका पूरा उन्होंने लाभ उठाने की कोशिश की और देश को एक ऊँचाई तक ले जाना चाहते थे। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और उसके साथ साथ पंचायती राज कायम करने में उनका एक बहुत बड़ी भूमिका रही। महिलाओं को 33% रिजर्वेशन उन्होंने पहली बार इस देश में दिया महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए। तो राजीव जी का जो योगदान है इस देश के लिए उसको भुलाया नहीं जा सकता। अंत में अपनी जान की आहुति देकर उन्होंने देश की एकता और अखंडता को बचाया। सर, जिस तरह से उन्होंने कंप्यूटर क्षेत्र में जो काम किया था सर, वो आज उस क्षेत्र में भारत बहुत आगे बढ़ा है। और जो सद्भावना की बात उन्होंने की थी, आज जो देश का माहौल है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, जब कंप्यूटर आया था तो मुझे याद है कि बहुत सारे हमारे विपक्ष के बड़े नेता उसका विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी। लेकिन राजीव जी दूरदर्शी थे और वो समझ रहे थे कि दुनिया से अगर अपना सम्मान और अपना बराबरी बनाना है तो कंप्यूटर की शिक्षा और कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़रूरी है और उन्होंने कराया। उसी तरह कम्युनिकेशन में, बिना कम्युनिकेशन के आप अपनी बात दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकते हैं, तो कम्युनिकेशन को भी उन्होंने बहुत डेवलप किया। तो मेरे कहने का अर्थ यही था कि हर क्षेत्र में वो जब जब उनको अवसर मिला, मौका मिला, उन्होंने काम किया और देश को, राष्ट्र को कुछ न कुछ देने का काम किया। इस अवसर पर पहले तो राजीव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और मुझे खुशी है कि भारतीय युवा कांग्रेस ने उनका जन्मदिवस बहुत धूमधाम से मनाया और उसका बड़ा अच्छा शीर्षक दिया उन्होंने कि हम में है राजीव। तो ये बात सही है क्योंकि जिन लोगों ने राजीव जी को देखा है, पढ़ा है, जाना है, वो सब इस बात को मानते हैं कि राजीव जी ने 21वीं शताब्दी में ले जाने के लिए देश को बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर के क्षेत्र में। इसके बाद उन्होंने हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि जो ग्रामीण क्षेत्र है यानी पंचायती राज को भी उन्होंने मूल रूप देने का काम किया और महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया। तो ये काम उन्होंने अपने थोड़े से समय में, उनको सिर्फ 5 साल का अवसर मिला प्रधानमंत्री बनने का, उस 5 साल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए और देश को एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया। तो देश उनको भूल नहीं सकता है, उनका जो भी योगदान है उसको कभी फरामोश नहीं कर सकता। और अंत में उन्होंने अपने जीवन का भी बलिदान कर दिया देश की एकता अखंडता के लिए। पंचायती राज के लिए जितना उन्होंने सोचा था त्रिस्तरीय पंचायती राज्यों को सशक्त करने के लिए, उतनी शक्तियां आज भी पंचायतों तक नहीं पहुंच पाई हैं, सर क्या कहेंगे? देखिए, उनका तो उद्देश्य यही था कि पंचायती राज को मजबूत किया जाए। उनका कहना यही था कि अगर हम पंचायतों में, गाँव को, देहात को अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए पंचायती राज ही एक रास्ता है और पंचायत में इसके द्वारा चुने हुए जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके हाथ में सत्ता देनी पड़ेगी। तो आपने अभी सुना तारिक अनवर जी को। आज राजीव गांधी का जन्मदिवस है, राजीव गांधी जी का, जो कि अपने बहुत ही कम समय, अल्पकाल में भारत को उन्होंने एक नई दिशा दी थी।
कंप्यूटर के क्षेत्र में जो उन्होंने जो सूचना क्रांति की थी उसका लाभ आज भारत को मिल रहा है। आज भारत जो है, भारत के कई शहर जो सिलिकन वैली बन चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा जो उस समय जब कंप्यूटर आ रहा था, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया था कि इससे जो है रोज़गार की कमी होगी, लेकिन आज भारत का सबसे बड़ा एक जो रोज़गार क्षेत्र है वो कंप्यूटर क्षेत्र भी है। क्या है आपकी राय इस पूरी बातचीत पर, आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।